दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुनिए विपिन की आवाज़ नई मुद्दे और नई बात के साथ। तो दोस्तों आज मेरा जो है वीडियो बनाने का स्टैंड जो है वो छूट गया है मेरा दुकान में, ऑफिस में, इसलिए मैं आज वीडियो जो है इसी तरीका बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे हेयर विग के बारे में। तो कई दोस्तों और कई भाइयों ने मुझे बोला कि सर आपका जो हेयर विग है वो स्नान करने के बाद में क्या उड़ जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आज मेरा 13 दिन हो चुका है, 13 डेज, और मेरा हेयर जो विग है आप देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छा है और ये जो है पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों कई लोगों का सवाल था कि आपका जो हेयर में जो है डस्ट नहीं बढ़ जाता है, गंदगी या खुजली, इस तरह का कोई इन्फेक्शन होने का डर। तो दोस्तों आज मेरा 13वां दिन है और मैं डेली सुबह में स्नान करता हूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं स्नान करने हेयर को वॉश कैसे करता हूँ, शैम्पू से किस तरीका से वॉश करता हूँ और इसको ड्राई करके किस तरह सुखाता हूँ। और कोई तरह का प्रॉब्लम मेरे को अभी तो नहीं हो रहा है, बीच बीच में हल्का सा ये जगह में चुनचुनाता है तो मैं इस तरह चुनचुना लेता हूँ और इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों चलिए आपको मैं स्नान का जो वीडियो शूट किया हूँ वो आप देखते हैं। तो देखिए ये, तो दोस्तों आज हम आप लोग को हेयर विग जो है मेरा आज 11वां दिन हो चुका है, ये फिक्स है और ये फिक्स लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसको मैं डेली वॉश करता हूँ, नहाता हूँ। तो कई लोगों ने बोला सर वॉश कैसे करते हैं, तो मैं आज आप लोग को वॉश करके दिखाता हूँ कि मैं नहाने वक्त किस तरीके से इसको वॉश करता हूँ। आप भी वॉश कर सकते हैं हेयर विग को, और ये फिक्स है, 1 महीना तक चलता है, 25 से 30 दिन तक, और 25 से 30 दिन तक ये फिक्स रहता है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको हेयर विग का वॉश किस तरीके से नहाते हैं वो दिखाते हैं कि आपको परेशानी ना हो, एक एक चीज़ को आपको अच्छे तरीके से मैं आप दिखाऊँगा। चलिए दिखाते हैं। मैं अभी नहा का है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं हेयर विग जो है सुखा रहा हूँ। देखिए कितना घस घस की फूल सुखा रहा हूँ मैं, जाम पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको नहीं से दिखाता हूँ मैं। देखिए हेयर विग इस जगह से लगा हुआ, इस जगह पर ये और जल छू, देख सकते हैं। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा,
दाल डालो। देख सकते हैं मैंने चूल झाड़ लिया है, आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हेयर विग लगा हुआ है, इतना अच्छा फिनिशिंग दिया हुआ है। और कई दोस्त लोग भी मेरे आज पकड़ नहीं पाए, वो बोले इतना चूल कैसे आ गया, हमने कहा और चूल लगाया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो मेरा स्नान करते हुए और किस तरीका से वॉश करते हैं अपने हेयर को। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आप जब फर्स्ट दिन लगाएंगे वो दो तीन दिन आपको लगेगा कि थोड़ा सर में लगा हुआ है, कारण का अभी हेयर विक का क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा आ चुका है मार्केट में, और जो है आपको परेशानी और समझ में नहीं आएगा तीन चार दिन के बाद में, आपको तो लगेगा नहीं कि हेयर विक लगा हुआ, लगेगा आपका ओरिजिनल है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप, मैं बाइक भी चलाता हूँ, हेलमेट भी पहनता हूँ इसका ऊपर में, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो है वह आपको थोड़ा सा ये से बचाना है, ज़्यादा गंदगी नहीं इसमें लगाना है बस। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा जितना भी वीडियो डाला हुआ हूँ हेयर ट्रांसप्लांट से, बिजनेस आइडिया से और हेयर विक के बारे में और हिजामा के बारे में, वो वीडियो आप देख सकेंगे और अपने हेयर का ख्याल रख सकेंगे। तो दोस्तों जो पुराने हैं वो चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों रखते हैं, फिर मिलेंगे नई मुद्दे और नई बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।